कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बुधवार को जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात कलेक्टर श्री मीणा ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बुधवार सुबह अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया और मरीजों को जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने औषधि भंडार का निरीक्षण कर उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि समस्त जीवन रक्षक औषधियाँ प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो। प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। कलेक्टर ने कार्यालय के पास रखी अनावश्यक सामग्रियों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने ओपीडी एवं ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया तथा चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को निर्देशित किया कि समय पर उपस्थित हो तथा अपनी सीट पर बैठकर प्राथमिकता के आधार पर मरीजों की स्वास्थ्य जाँच एवं उनका उपचार करें। कलेक्टर ने मरीजों व परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा तत्काल चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बेसिकली ये अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं उनकी जानकारी ली है और जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनका क्या स्तर है इसके बारे में जानकारी ली है। अभी नए ट्रॉमा सेंटर में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं और भी कैसे व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकती हैं इसमें चर्चाएँ होंगी और सभी से करने के ऊपर कैसे हम चर्चाओं कैसे हम सुविधाओं को और बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे कार्य किया जाए। संज्ञान में आया था उसमें कार्रवाई भी हुई और अगर बाद में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थितियाँ सामने आई उसमें आगे दिखवा लेते हैं क्या मामला है उसके आगे उसको साफ सफाई व्यवस्था है और बेहतर करेंगे। कितने मीटर जो है दूध मिलना चाहिए, दो एक थैली ही मिल पा रही है? चलो हम देख लेते हैं, ये भी संज्ञान में है, हम उसको आगे व्यवस्था है। कलेक्टर श्री मीणा ने सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल बोरीवाल को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्रवाई करें, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था चाक चौबंद रखें। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा में कलेक्टर ने बताया कि ट्रामा सेंटर में स्टाफ द्वारा नववर्ष मनाने संबंधी जानकारी संज्ञान में आने पर तत्काल कार्रवाई की गई है। आगे भी इस प्रकार का औचक निरीक्षण एवं दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस एस बघेल एवं सिविल सर्जन डॉक्टर बी एल बोरीवाल उपस्थित थे।